एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, उसका हम बेसिक करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल आती है उस टेबल से हम स्टार्ट करेंगे। तो टेबल में सबसे पहले एंगल कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। एंगल किसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी होती हैं। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे रेशियो, पहले सबसे पहला रेशियो हमारा आता है साइन थीटा का, उसके बाद में आता है कोस थीटा, फिर आता है टेन थीटा। तो ये रेशियो आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, हमें ऐसे नंबर लेने हैं 0, 1, 2, 3, 4, फिर सबको 4 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 4। अब जो सोल्व होता है उसको सोल्व करना है, जैसे ये क्या आ जाएगा 0, ये 1/4 ही रहेगा, इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 1/2, ये 3/4 ही रहेगा और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब सबका स्क्वेयर रूट करना है, तो स्क्वेयर रूट यहाँ हम करेंगे। अब साइन की जो वैल्यू है, जैसे साइन 0 की जो वैल्यू है, इसको सोल्व करने के बाद साइन 0 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 30 की आ जाएगी। जैसे साइन इसको 0 का स्क्वेयर रूट सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0, ये होगी साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अब 1 का स्क्वेयर रूट सोल्व करेंगे तो 1 और 4 का करेंगे तो 2, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वेयर रूट सोल्व करेंगे 1 और रूट 2 का सोल्व नहीं होगा तो ये हो जाएगा 1/√2। उसके बाद 60 के लिए तो √3 सोल्व नहीं होगा और 4 की अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। फिर उसके बाद में 1 का स्क्वेयर रूट सोल्व करेंगे तो 1, ये होगी साइन के लिए वैल्यू। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1, ये है साइन की वैल्यू। अब करनी है हमें फाइंड करनी है कोस थीटा की वैल्यू। तो कोस थीटा क्या होगा, साइन का अपोजिट है, जो साइन 90 है वो कोस 0 हो जाएगा। तो हम पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे 1, उसके बाद में √3/2, ये दोनों का सेम रहेगा 1/√2 और 60 क्या आ जाएगा 1/2 और साइन कोस 90 क्या आ जाएगा, जो साइन 0 है वो 0। उसके बाद आएगा 10, 10 हमारा क्या है, 10 में एक आइडेंटिटी है कि 10 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो 10 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 10 थीटा कैसे फाइंड करेंगे, साइन अपॉन कोस यानी 0/1, 0/1 को हम सॉल्व करेंगे तो 0, इसको 1/1 सोल्व करके करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, यहाँ सोल्व करेंगे √2 कैंसिल तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल और √3 और 1/0, किसी के भी अपॉन में जब 0 होती है तो सॉल्यूशन हमारा क्या आता है, नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी। अब ये हो गए 3 रेशियो, साइन कोस और 10। नेक्स्ट 3 क्या आते हैं, नेक्स्ट है कोसेक थीटा, फिर उसके बाद में है सेक थीटा और उसके बाद में है कोट थीटा। अब जो ये 3 रेशियो है ये इन तीनों के रेसिप्रोकल है, जैसे कोसेक किसका है, साइन का रेसिप्रोकल, सेक किसका है, कोसेक का, और कोट 10 का, इनका रेसिप्रोकल, यानी हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइन, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 1/√2 का √2, यहाँ से 2 ऊपर और √3 नीचे, फिर यहाँ 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1। अब उसके बाद में हमें सेकेंड का करना है, तो सेकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कोस थीटा का, तो कोस थीटा 1 का रेसिप्रोकल 1, यहाँ से 2 अपॉन में √3, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा √2 और 1/2 का क्या होगा 2 और 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, ये हो गया। अब कोट जो है वो कोट किसका रेसिप्रोकल आएगा, टेन थीटा का, तो टेन थीटा का इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइन, ये हो जाएगा √3 और ये 1, ये 1/√3 और 1, जैसे 1/0 नॉट डिफाइन है तो 1/ नॉट डिफाइन अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करके वैल्यू हमें लेके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब हम करेंगे यहाँ जैसे 8.1 एक्सरसाइज जो हमारी वो 8.1 कंप्लीट एक बेसिक पे है, उसका बेसिक क्या है हमारा, जैसे यहाँ हम पहले करते हैं ये जो 6 रेशियो हमने किए हैं उन पे ही डिपेंड करता है। हाँ, यहाँ पे आता है हमारा PBPHHB, ये क्या है हमारा, यहाँ पे ये 6 रेशियो आएंगे, इसको हम याद कैसे करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ से हम इसको, लेकिन रेशियो कैसे आएंगे, जैसे जिस सीक्वेंस में रेशियो हमारे टेबल में आए थे वैसे उसी सीक्वेंस में यहाँ पे आएंगे। पहला हमारा क्या था, साइन, फिर कोस, फिर टेन और फिर नेक्स्ट कोसेक, फिर सेकेंड और फिर कोट, तो सेम रेशियो वही आएंगे। अब यहाँ इसका मतलब क्या है, पी क्या है, बी क्या है और एच क्या है, तो पी यहाँ पे क्या है, पी है यहाँ पे परपेंडिकुलर,
बी क्या है बेस एंड एच क्या है हाइपोटेनियस, जो राइट एंगल ट्राइंगल में होते हैं। पी क्या है परपेंडिकुलर, बी क्या है बेस और एच क्या है हाइपोटेनियस। जैसे यहां से अगर चेक करें, मान लो हमें किसी ट्राइंगल में साइन ए फाइंड करना है, साइन एंगल कौन सा फाइंड करना है साइन ए, तो पहले हम देखेंगे कि साइन क्या है, साइन क्या है यहां से देखेंगे पी अपॉन एच, पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर बात करें कि टेन फाइंड करना है, तो टेन अगर हम फाइंड करेंगे टेन ए या टेन बी, तो टेन क्या है यहां से हम देखेंगे तो P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर बात करें कि सीकेंट फाइंड करना है, सीकेंट A फाइंड करना है, तो सीकेंट क्या है सीकेंट यहाँ से, तो इस साइड से हम देखेंगे तो इस साइड से क्या आएगा हमारा H अपॉन B हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अब यहाँ से ये हमारा क्या है कि हमें क्वेश्चन फाइंड करना है, जैसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे दी हमारे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए पी बी, यहाँ पे हमें एंगल फाइंड करना है कि हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, कोट बी फाइंड करना है। मान लो कोट बी, तो कोट बी के लिए सबसे पहले हम कोट देखेंगे कि कोट क्या होता है, कोट क्या है हमारा बी अपॉन पी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी अपॉन पी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, वो जिस एंगल की बात करें, जैसे यहाँ कौन सा एंगल की बात की है एंगल बी की, इस एंगल की बात की है, तो जिस एंगल के बारे में पूछता है वो एंगल जिन दो लाइनों के बीच बना होगा, कौन सी दो लाइन है यहाँ पे ए बी एंड पी बी। ए बी जो है राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लार्ज सबसे जो बड़ी साइड है वो हमारी क्या होगी हाइपोटेनियस, या ऐसे बोल सकते हैं कि राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे एंगल जिस पे बना होता है वो बेस होता है, एंगल जिस साइड पे बना होगा वो साइड क्या होगी बेस। जैसे यहाँ पे क्या करना है हमें कोट बी फाइंड करना है, तो बी के बी क्या है हमारा कोट क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बी के लिए बेस देखना पड़ेगा। तो ये एंगल है किस पे बना हुआ है पी बी पे, इस पे बना हुआ है हमारा, तो बेस कौन सा हो गया पी बी अपॉन में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा ये तो हमें पता है हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर कौन सा बचा ये वाली साइड ए पी, तो पी बी अपॉन में ए पी। अब इसकी जो भी वैल्यू यहाँ गिवन होगी, मान लो यहाँ पे ये 5 है ये 4 है ये 3 है, तो जो वैल्यू इनकी होगी वो यहाँ हम पुट कर देंगे, तो कोट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी कोट बी इज इक्वल टू पी बी की वैल्यू 4 ए पी की वैल्यू 3। ये हमें ऐसे फाइंड करना है, क्या गिवन होगा राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास गिवन होगी। अब जो एंगल राइट एंगल है उसके बारे में तो पूछेगा नहीं, जैसे यहाँ पे किसके बारे में पूछा है कोट बी के बारे में, कोट बी पूछ लिया। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होगा कि दो साइड हमारे पास गिवन होंगी, 8.1 की बात कर रहे हैं यहाँ, 8.1 में दो साइड हमारे पास गिवन होंगी, तो दो साइड से हमें पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके थर्ड साइड फाइंड करनी है। जैसे ये 5 है ये 3 है, तो हमें थर्ड साइड 4 आ जाएगी हमारी। उसके बाद में मान लो कोट बी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कोट बी सबसे पहले कोट देखेंगे, कोट क्या है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो गया। उसके बाद बेस देखेंगे और परपेंडिकुलर किसके लिए एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए हमने बेस देखा पी बी, जिस पे एंगल बना हुआ है उस साइड पे, तो पी बी इसका बेस हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया ए पी, तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब मान लो सेम चीज ये पूछे कि कोसेक हमें फाइंड करना है कोसेक ए फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कोसेक देखेंगे सबसे पहले, कोसेक क्या है यहाँ से इधर से देखेंगे तो एच अपॉन पी, कोसेक क्या है एच अपॉन पी, तो एच ए के लिए एंगल ए के लिए हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जो है वो सबके लिए फिक्स होगा ए के लिए भी और बी के लिए भी, तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए बी अपॉन में परपेंडिकुलर, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर देखना है, तो एंगल ए यहाँ है तो इस पे बना हुआ है ये तो हो गया बेस ए पी, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा पी बी, तो यहाँ से ये हो गया पी बी। तो अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे ए बी की वैल्यू क्या है 5 और पी बी की वैल्यू क्या है हमारी 4, तो ये हो गया कोसेक ए की वैल्यू क्या आ गई 5/4। ये हमारा चैप्टर 8 या 8.1 का बेसिक है। अब एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।